दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवीर सिंह, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एस मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज हम आपको एक नए टॉपिक को लेकर आए आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक हमारा है फ्रैक्शन से रिलेटेड भिन्नों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए दोस्तों चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं, उन किन किन प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, चलिए उन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, पांच सौ लीटर दूध में चार सौ एमएल की कितनी बोतलें भरेंगी। क्वेश्चन है हमारा 500 लीटर दूध में 400 ml कितनी बोतलें भरी जाएंगी। दोस्तों हमने आपको बताया था इकाई एक ही होना चाहिए, या तो लीटर लीटर में होना चाहिए या मिलीलीटर मिलीलीटर में होना चाहिए। यहाँ पर दूध है 500 लीटर और 400 ml की बोतल हमको भरनी है, तो हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए। हम जानते हैं कि एक लीटर दूध में, हम जानते हैं एक लीटर में 1000 ml होते हैं। एक लीटर में कितने 1000 ml होते हैं, तो हमारे पास 500 लीटर दूध है, तो 500 लीटर में कितने मिलीलीटर बने। तो सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा 500 लीटर को हम मिलीलीटर में बदल लें, तो 500 में गुणा हम 1000 का कर देंगे तो टोटल हमारा कितना एम एल होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एम एल दूध होगा, अर्थात काई ढाई सैकड़ा हजार 10000 लाख 5 लाख मिलीलीटर दूध हमारा हुआ। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि 400 एम एल की बोतल कितनी भरी जाएंगी। तो दोस्तों 5 लाख मिलीलीटर दूध में हम 400 का भाग दे देंगे तो हमें बोतलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों, सैकड़ा हजार 10000 लाख 400 बराबर, देखिए दोस्तों 1 0 1 0 1 0 1 0 चार का हम, हमारे पास संख्या बची 500/4, इसका हम इसमें भाग दे देंगे। दोस्तों 4 का 5 में एक बार जाएगा, बचेगा 1, 10 हो गया, 4 का 10 में 2 बार गया, बचेगा 2, 20 हो गया, 4 का 20 में 5 बार गया, 125 बोतलें भरी जाएंगी, भरी जाएंगी। इकाई से कहा 10000 लाख। दोस्तों यहाँ 1 0 छोड़ गए हम, यहाँ पर 1250 हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5000 ml लीटर दूध में हमारे पास 1250 बोतलें भरी जाएं, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल इस प्रकार से है। दोस्तों हम आपके हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे और एग्जाम में जितने भी टाइप बनेंगे उस टाइप के सवाल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है, 5 सही 1/2 मीटर कपड़े में
कपड़े काम नहीं मिले। दो से चौदह सही एक बटा चार रुपए है, तो एक मीटर कपड़े का मूल्य बताओ। एक मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? पांच सही एक बटा दो मीटर कपड़े का मूल्य, दो से चौदह सही एक बटा चार रुपए है, तो एक मीटर कपड़े का मूल्य बताइए। दोस्तों ये मिश्र भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हर का गुणा पूर्णांक में करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें अंश वाली संख्या को जोड़ देंगे, बटे में हर वाली संख्या को रख देंगे, हमें साधारण भिन्न प्राप्त हो जाएगी। पाँच सही एक बटे दो को साधारण भिन्न में बदलने पर हमें प्राप्त होगा पाँच दूनी दस और एक ग्यारह बटे दो। कपड़ा कितना है? ग्यारह बटे दो मीटर। इसी प्रकार से हम रुपए को बदलेंगे, दो से चौदह सही एक बटा चार को हम बदल लेते हैं, तो दोस्तों इसमें गुणा करना पड़ेगा, चार चौक सोलह एक सत्रह, चार एक चार एक पाँच और चार दून आठ सौ सत्तावन बटे चार रुपये। जब पाँच ग्यारह बटे दो मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? आठ सौ सत्तावन रुपये चार रुपये बटे चार रुपये। तो एक मीटर कपड़े का मूल्य हमें ज्ञात करना है, एक मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करने के लिए चार सौ सत्तावन बटे चार में ग्यारह बटे दो का भाग दे देंगे। दोस्तों हमें यहाँ चार संख्या प्राप्त हुई, बटे के नीचे बटे, बटे के नीचे बटे, तो हम जानते हैं कि चौथी संख्या पहले स्थान पर पहुंच जाती है, तीसरी संख्या दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आठ सौ सत्तावन गुणा दो हो जाएगा और चार का गुणा ग्यारह में हो जाएगा। दोस्तों डिवाइड करते हैं, दो से चार दो बार गए दोस्तों, और कोई संख्या कटेगी नहीं, तो आठ सौ सत्तावन ऊपर बचेंगे और नीचे हो जाएगा ग्यारह का दो में बाईस। अब आठ सौ सत्तावन में बाईस का भाग दे देंगे, आठ सौ सत्तावन में बाईस का भाग देने पर दोस्तों हमें आंसर प्राप्त होगा 38.95 रुपये, अर्थात लगभग 39 रुपये हमारा आंसर आएगा। एक मीटर कपड़े का मूल्य 39 रुपये होगा। दोस्तों वापस से समझते हैं, हमें मिश्र भिन्न के रूप में मीटर कपड़ा दिया हुआ है और मिश्र भिन्न के रूप में हमें रुपए दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलने के लिए अंश का गुणा पूर्णांक में करेंगे और पूर्णांक में जो संख्या प्राप्त होगी उसमें अंश की संख्या जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमें पाँच सही एक बटा दो का ग्यारह बटे दो प्राप्त होगा। इसी प्रकार से रुपए को हम बदलेंगे साधारण भिन्न में, दो से चौदह में चार का गुणा करेंगे, आठ सौ छप्पन आएगा, उसमें एक जुड़ जाएगा तो आठ सौ सत्तावन बटे चार रुपये होगा। जब हमें एक मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, इसमें ग्यारह बटे दो का भाग दे दिए, तो हमें कैलकुलेशन करने पर हमें 38.95 रुपये प्राप्त होगा, अर्थात ये लगभग 39 रुपये का एक मीटर कपड़ा आएगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से बन सकता है एग्जाम में उसे देखते हैं। अगला सवाल हमारा इस तरह से है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, नौ सही एक बटा चार, नौ सही एक बटा चार, नौ सही एक बटा चार माइनस दो सही एक बटा चार, दो सही एक बटा चार
गुणा दो सही एक बटा चार बटे नौ सही एक बटा चार, नौ सही एक बटा चार प्लस नौ सही एक बटा चार गुणा दो सही एक बटा चार प्लस दो सही एक बटा चार इंटू दो सही एक बटा चार का मान होगा दोस्तों। इस तरह का सवाल अगर हमें देखने को मिल जाता है तो हमें क्या करना होगा, सवाल तो बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बच्चे इसको देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे, हम क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ किस में किसका गुणा करें। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। देखिए इस टाइप के सवाल यदि हमें मिलते हैं तो बीजगणित में कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास ए पे घात तीन माइनस बी पे घात तीन बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र का हम उपयोग करें। देखिए दोस्तों यहाँ नौ सही एक बटा चार तीन बार लिखा है और दो सही एक बटा चार तीन बार लिखा है तो ये तो हो गया ए क्यू और ये हो गया बी क्यू। तो ए क्यू ए की जगह कितना लिखा हुआ है नौ सही एक बटा चार और बी की जगह लिखा हुआ है दो सही एक बटा चार। तो दोस्तों हम फार्मूला फिर कर देते हैं, नौ सही एक बटा चार तीन बार लिखा है तो ए पर घात हो जाएगी तीन, माइनस का चिन्ह है, फिर लिखा है दो सही एक बटा चार इसका मान बी माना हमने तो इसकी जगह बी रख देंगे, ये भी तीन बार लिखा है तो बी पे घात तीन हो जाएगा। दोस्तों नीचे आ जाइए, नौ सही एक बटा दो दो बार लिखा है, दो बार लिखा है मतलब ए का बार घात दो हो जाएगी, प्लस का चिन्ह है, उसके बाद एक लिखा है नौ सही एक बटा चार, एक लिखा है दो सही एक बटा चार, नौ सही एक बटा चार ए है और दो सही एक बटा चार बी है तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए और बी, ए बी प्लस दो सही एक बटा चार बी का मान है तो दो बार लिखा है तो बी पे घात हो जाएगी दो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमें सूत्र मालूम है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी कोष्टक शुरू ए वर्ग प्लस ए बी प्लस बी वर्ग। तो ए क्यू माइनस बी क्यू ये लिखा है इसकी जगह हम इतनी संख्या को रख सकते हैं, रख देते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस वो प्लस बी बी वर्ग बटे नीचे क्या लिखा है जो पूरी संख्या उतार लेंगे एक स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों कोष्टक में संख्याएं देखते हैं हम नीचे और ऊपर एक से है, एक जैसी संख्याएं लिखी है तो ये इसके क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, हमारा रेवेन्यू बचेगा a माइनस बी, ए का मान हमारे पास है नौ सही एक बटा चार माइनस बी का जहाँ मान है दो सही एक बटा चार। अब इसको हम साधारण चिन्ह में बदल देते हैं, दो चौके छत्तीस एक सैंतीस बटे चार और माइनस दो दो चौके आठ एक नौ बटे चार, एलसीएम लिया चार आया, सैंतीस में से नौ घटा देंगे तो दोस्तों आप ही बताइए कितना बचेगा, अट्ठाईस बटे चार, अट्ठाईस में चार का भाग दे देंगे सात बार जाएगा। दोस्तों आंसर आया हमारा सात, आंसर सात ही आएगा। दोस्तों इस तरीके से ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं, बीजगणितीय फार्मूले की मदद से हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फार्मूला याद है, अगर इस लूप का क्वेश्चन आपको मिलता है चिन्ह सेम ऐसे ही होने चाहिए प्लस प्लस यहाँ पे माइनस होना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये दो बीच वाली माइनस चिन्ह बीच में आना चाहिए, ये दोनों संख्याएं आप उसमें घटा लो, आंसर आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमें ये कुछ नहीं करने की जरूरत है, हम सिर्फ इसको करते हैं नौ सही एक बटा चार माइनस दो सही एक बटा चार, इन्हें साधारण चिन्ह में बदलेंगे तो सैंतीस बटे चार आएगा पहले का और माइनस आएगा नौ बटे चार, एलसीएम लिया चार आया, सैंतीस से नाइन घटा दिए हमने अट्ठाईस बचेगा और बटे चार होगा, चार का अट्ठाईस में भाग दिया सात आया आंसर सात। दोस्तों ये भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए माइनस चिन्ह बीच में होना चाहिए, एक पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा।
इस प्रकार के सवालों को हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल हमें एग्जाम को अक्सर देखने को मिलते हैं। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टाइप हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन कभी कभार इस प्रकार से मिल जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इस तरह से है, फोर 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 प्लस टू 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 बटे फोर फोर माइनस फोर टू प्लस टू टू का मान होगा। देखिए तो पिछले सवाल में हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र आपको बताया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला फिट हो सकता है। ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका मान होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। हम फार्मूले की मदद भी नहीं लेंगे, सिर्फ हमको सिर्फ क्या कहना है, ये बीच में जो संख्या है प्लस का माइनस प्लस का चिन्ह है उसके आगे जो संख्या रखी है उसको और पीछे वाली संख्या को दोनों को जोड़ देंगे, फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स आंसर आएगा। हमारा आंसर सिक्स आएगा, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने अभी तो ये एक लाइन से उत्तर निकाल दिया, अब हम आपको ये फार्मूला फिट करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ए की जगह लिखा है चार और बी की जगह लिखा है दो, तो चार तीन बार लिखा है तो ए का मान चार है तो ए पे घात तीन हो जाएगी, प्लस बी का मान दो है, बी तीन बार लिखा है तो बी पे घात तीन हो जाएगी, बटे ए दो बार है, चार दो बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए और बी और प्लस बी घात दो हो जाएगी। दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हमारे पास ये है, इसको हम एक्सप्लेन कर लें। ए प्लस बी लिख सकते इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, बड़े कोष्टक में जो संख्या है वो एक से एक जैसी हैं, इनको काट दिया हमने, हमारा बचा ए प्लस बी। ए का मान हमारे पास चार है और बी का मान दो है, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आप ही देखिए दोस्तों छः आएगा। इससे भी छः आया और इससे भी छः आया, मतलब कहने का ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के सवाल अगर आपको मिलते हैं देखने के लिए तो सिर्फ आपको प्लस का साइन देखना है और दोनों को जोड़ देना है। यदि यहाँ पर माइनस का साइन आ गया तो माइनस करना है, प्लस का आएगा तो प्लस करना है, माइनस आएगा तो माइनस कर देना है। इस टाइप का ही सवाल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते थे। अगला टाइप हमारा किस प्रकार से है, तीन सही एक बटा चार गुणा तीन सही एक बटा चार धन दो सही एक बटा चार गुणा दो सही एक बटा चार माइनस दो गुणा तीन सही एक बटा चार गुणा दो सही एक बटा चार का मान होगा।
दोस्तों देखिए, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए भी बीजगणितीय फार्मूले का उपयोग करेंगे हम। देखिए, हम एक फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसी रूप में लिखा हुआ है। ए का मान यहाँ पर हमने माना तीन सही एक बटा चार, इसका साधारण घन बनाएंगे तो तेरह बटे चार आएगा। ठीक है दोस्तों, बी का मान लिखा हुआ है दो सही एक बटा चार, इसका साधारण घन बनाएंगे नौ बटे चार आएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी तीन सही एक बटे चार लिखा है वहाँ ए लिखेंगे, और जहाँ दो सही एक बटा चार लिखा है वहाँ बी लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों लिखते हैं, तीन सही एक बटा चार दो बार है तो ए का मान तीन सही एक बटे चार है तो ए पर घात हो जाएगी दो। इधर आते हैं, दो सही एक बटा चार दो बार लिखा है, बी का मान दो सही एक बटा चार है दो बार लिखा है तो बी पे घात हो जाएगी दो। माइनस का चिन्ह है, दो लिखा है, तीन सही एक बटा चार ए है तो ए लिख देंगे, दो सही एक बटा चार बी है तो बी लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यही रूप बन गया है सूत्र का, इस सवाल का यही रूप बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसकी जगह हम ए माइनस बी का होल वर्ग लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल वर्ग। अब बस आपको कुछ नहीं करना, ए का मान रख दीजिए तीन सही एक बटा चार, इसको साधारण घन में बदला तो तेरह बटे चार आया। माइनस बी का मान है दो सही एक बटे चार, साधारण घन में बदला नौ बटे चार आया। कोष्टक लगा दो, ऊपर वर्ग लगा दो, अंदर का एलसीएम ले लो, चार आ गया। यहाँ पर तेरह है, यहाँ पर नौ है, घटा दो आपस में दोस्तों, नौ में से तेरह जाएंगे चार बचेंगे, चार बटे चार इसका वर्ग हो जाएगा, चार से चार कैंसिल हो जाएंगे तो एक बचा, एक का वर्ग हम जानते हैं दोस्तों, आंसर आएगा एक, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इस टाइप के सवाल हम इस तरह से कर सकते हैं, बशर्ते आपको रूप पहचानना पड़ेगा सवाल हमारा किस प्रकार का है, कि कौन सा सूत्र इसमें फिट हो सकता है, तो हम बड़ी ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम देखते हैं किस प्रकार से है हमारा। अगला सवाल हमारा है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, पॉइंट फोर इंटू पॉइंट फोर इंटू पॉइंट फोर प्लस पॉइंट जीरो फोर इंटू पॉइंट जीरो फोर इंटू पॉइंट जीरो फोर बटे पॉइंट एट इंटू पॉइंट एट इंटू पॉइंट एट प्लस पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो एट। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल को देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट फोर तीन बार लिखा है, पॉइंट जीरो फोर दो बार, तीन बार ये भी लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इसको ए मान लेते हैं, ए की जगह पॉइंट फोर लिखा है और बी बराबर होगा हमारा पॉइंट जीरो फोर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यदि हम इसमें दो का गुणा कर दें, पॉइंट फोर में दो का गुणा कर दें तो आएगा हमारा पॉइंट एट। ठीक है, इसका दो गुणा हो गया तो टू ए हो जाएगा पॉइंट एट। इसी प्रकार इसमें हम दो का गुणा कर दें तो जीरो एट होगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा टू बी। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके का हमारा ये रूप बन रहा है, तो हम इसमें ए और बी प्रतिस्थापित कर देंगे। ए के ए जहाँ भी पॉइंट फोर लिखा हुआ है वहाँ ए रखेंगे, तीन बार लिखा है ए, ए पर घात तीन हो जाएगी। यहाँ देखिए बी लिखा है प्लस बी पर घात तीन हो जाएगी बटे। देखिए दोस्तों, टू ए बराबर पॉइंट एट है, टू ए गुणा टू ए, टू ए गुणा टू ए प्लस यहाँ पर टू बी गुणा टू बी
गुणा टू भी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे, देखिए दोस्तों ए ए ए तीन बार है, ए पे घात हो गई तीन, दो 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 तीन बार गुणा हो रहा है, दो का तीन बार गुणा करेंगे तो आठ आएगा, तो आठ ए वर्ग प्लस, इधर देखिए बी 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 तीन बार है तो बी क्यू, दो तीन बार है तो आठ आएगा, ये हुआ दोस्तों। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ऊपर लिखा है हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू बटे, नीचे देखिए दोस्तों दोनों में आठ है तो आठ हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा ए क्यू प्लस बी क्यू, कॉमन ले लिए दोस्तों, कोष्टक के अंदर की राशि कट जाए, बराबर हमारा बचा एक बटे आठ। अब हम आठ का भाग एक में दे देंगे, देते देंगे दे दोस्तों पॉइंट लगेगा, पहले आठ एक आठ बचेगी दो, बीस हो जाएंगे, आठ दो सोलह बचेगा चार, चालीस हो जाएंगे, आठ पंचालीस। देखिए दोस्तों आप ही बताइए आंसर आएगा 0.125, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप के सवाल को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इस टाइप के सवाल ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लॉजिक से संबंधित सवाल ही पूछे जाते हैं ताकि बच्चे कन्फ्यूज न हो जाए और सवाल को न कर पाए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा इस प्रकार से, 9.68 गुणा 9.68 मार्कर, माइनस 3.18 बटे 9.68 प्लस 3.18 का मान होगा। देखिए दोस्तों इसका मान निकालना है, यहां पर देखिए दोस्तों 9.68 दो बार लिखा है, 3.18 दो बार लिखा है, तो हम यहाँ भी मान लेते हैं बीजगणित की सूत्र के अनुसार a बराबर 9.68 और b बराबर 3.18, जहाँ भी 9.68 लिखा है वहाँ a लिखा जाएगा और जहाँ 3.18 लिखा है वहाँ b लिख देंगे। तो लिख देते हैं, ये दो बार लिखा है तो a पर घात दो हो जाएगी, माइनस ये दो बार ये भी लिखा है तो b पर घात तीन हो जाएगी, नीचे हो जाएगा a प्लस बी, सॉरी दो होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें एक सूत्र मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र को उपयोग करेंगे हम, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी ए माइनस बी रख सकते हैं, ए माइनस बी बटे में लिखा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कट गया, ए माइनस बी बचा। अब ए का मान कितना है हमारे पास, 9.68 माइनस 3.18, आपस में घटा लेते हैं, घटा देते हैं दोस्तों, जीरो छः में से एक जाएंगे पाँच, नौ में तीन छः, तो दोस्तों रिमेनिंग आंसर आएगा 6.50, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार के सवालों को हम इस तरह से हट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा किस प्रकार से है, सवाल हमारा है अगला, क्वेश्चन इस तरह से है, 4.7 और 0.7 पाँच को सम दशमलव में बदलो, दोस्तों
यहाँ पर देखने को हमें प्राप्त हो रहा है, एक संख्या 4.7 है, दूसरी है 0.75, यानी एक संख्या के पॉइंट के बाद एक ही अंक है और दूसरी संख्या में पॉइंट के बाद दो अंक हैं। सम दशमलव का मतलब होता है पॉइंट के बाद अंकों की अंक बराबर होने चाहिए। तो इसे सम दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, 4.7 और 0.75 लिखा है, तो इधर देखते हैं दशमलव के बाद दो अंक हैं और इधर दशमलव के बाद एक अंक है। समान अंक करने के लिए जिस तरफ दशमलव के अंक कम हैं उस तरफ एक शून्य बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर शून्य बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट के बाद दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो जाती है। तो इसे सम दशमलव में बदलने के लिए इस प्रकार से इसको बदल देंगे, 4.70 और 0.75 सम दशमलव में बदल गए। कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद डिजिट समान करने के लिए जीरो बढ़ा देते हैं, जो सा स्थान खाली होगा उस स्थान पर जीरो बढ़ा देते हैं। मैं बदल गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देख ले सवाल। क्वेश्चन अगर इस तरह से है, एक लड़के ने अपने जेब खर्च का 0.8 अपने एक मित्र को तथा शेष का 0.6 दूसरे मित्र को दिया, तब उसके पास 1.88 रुपए शेष थे, तो उसके पास कितने रुपए थे। एक लड़के ने अपने जेब खर्च का 0.8 अपने एक मित्र को तथा शेष का 0.6 अपने दूसरे मित्र को दिया, तब उसके पास 1.88 रुपए शेष बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे। दोस्तों इस टाइप के सवाल हम करने के लिए हम मान के चलते हैं कि लड़के के पास 100 रुपए थे, ठीक है दोस्तों। लड़के के पास 100 रुपए थे मान लेते हैं, माना लड़के के पास 100 रुपए थे, ठीक है दोस्तों 100 रुपए थे। अब उसने 100 रुपए का 0.08 अपने एक मित्र को दिया, एक मित्र को क्या दिया, 100 रुपए का 0.8 दिया। तो निकाल लेते हैं 100 रुपए का 0.8 कितना होता है। देखिए दोस्तों 100 का की है गुणा का निशान, जो हमने भिन्नों में पहले बता चुके हैं आपको, जहाँ भी बोर्ड मास में ही बताया था, तो गुणा का निशान लगा दिया और 0.8/100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए दोस्तों 0.1 हटाएंगे 0.1 का, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लिखा है, 0.1 के बाद एक संख्या थी तो एक शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, एक शून्य बढ़ जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 10 और 8 का गुणा हो जाएगा, तो कितना रुपए बचा, कितना रुपए उसने पहले मित्र को दिया, 80 रुपए उसने पहले मित्र को दे दिया।
अब दोस्तों शेष का 0.6% लड़के के पास 100 रुपए थे, उसमें से उसने 80 रुपए पहले मित्र को दे दिए। अब उसकी जेब में कितना बचा? 20 रुपए। 20 रुपए शेष बचा। अब 20 रुपए का उसने शेष का कह रहा ना दूसरे मित्र को, दूसरे मित्र को शेष का, शेष क्या बचा उसके पास? 20 का 0.6 निकाल लेते हैं। 20.6 देखिए पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। एक शून्य कट गया, 6 का 2 में गुणा किया तो 12 रुपए उसने दूसरे मित्र को दिया। कितना दिया दूसरे मित्र को? 12 रुपए। अब टोटल रुपए उसकी जेब में 100 थे और उसने दोनों मित्रों को कुल रुपए कितने दे दिए? यहाँ पर लिखेंगे दोनों मित्रों को राशि दी बराबर, 1 को 80 दिया, 1 को 12 दिया, कुल टोटल 92 रुपए उसने दे दिया। जेब में उसकी में 100 रुपए थे, 92 रुपए उसने दोनों मित्रों को दे दिया। अब उसकी जेब में शेष कितना बचा? शेष राशि सौ से 92 घट जाएंगे बराबर 8 रुपए शेष बचा। अब वो शेष उसके पास कितने के बराबर है? 1.88 के बराबर है, ठीक है ना दोस्तों। शेष 8 रुपए बराबर 1.88 के। जब 8 रुपए 1.88 के हैं तो 1 रुपए कितने के बराबर होगा? 1 रुपए, एक एक नियम लगाएंगे, 1.88/8 तो 100 रुपए कितने के बराबर होंगे? 1.88 × 100/8 हो जाएगा दोस्तों। पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य यहाँ पर बढ़ेंगे तो 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा। 8 का भाग 188 में दिया जाएगा, 188/8 का भाग दिया 2, 8 × 2 = 16, 2 + 28 हो गया, 8 × 3 = 24, फिर से 4 + पॉइंट लग गया 40 हो गया, 8 × 40। तो उसकी जेब में टोटल रुपए कितने थे आप ही बताइए दोस्तों। 23.50 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह के सवाल को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। वापस से समझते हैं, हमने लड़की की जेब में 100 रुपए रखे, मान लिया हमने लड़की की जेब में 100 रुपए थे, 100 रुपए में से उसने 0.8 एक मित्र को दिया, 100 का 0.8, हमने 100 × 1.8 = 1 नीचे 8 के कैलकुलेशन किया, 80 रुपए पहले मित्र को उसने दे दिया। अब उसकी जेब में 100 रुपए थे, 80 रुपए उसने पहले मित्र को दे दिए, शेष उसकी जेब में 20 रुपए बचे, 20 का 6 उसने दूसरे मित्र को दिया, कैलकुलेशन किया तो दूसरे मित्र को उसने 12 रुपए दे दिया। उसने कुल टोटल 92 रुपए बांट दिया। अब उसकी जेब में 8 रुपए बचे थे, वो 8 रुपए 1.88 रुपए के बराबर थे। जब 8 रुपए 1.88 के बराबर है तो 1 रुपए 1.88/8 हो जाएगा, इसलिए 100 रुपए कितने का होगा? ये कैलकुलेशन किया, 188 में 8 का भाग दिया तो उसकी जेब में टोटल रुपए थे 23.50। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं दोस्तों। कुछ नहीं, लॉजिक वाले सवाल आते हैं ताकि छात्र कन्फ्यूज हो जाए और सवाल न समझ पाए। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, क्वेश्चन है, प्रेशर कुर्सियों का मूल्य ₹19,204.25 है तो 15 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करो, का मूल्य दोस्तों। कैलकुलेशन आनी चाहिए, सवाल गलत नहीं होगा।
मूल्य होगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ जोड़ बाकी गुणा भाग में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको बहुत सारे जोड़ बाकी गुणा भाग किससे रिलेटेड सभी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए दोस्तों 65 कुर्सियों का मूल्य 19,204.25 रुपये है, तो 15 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? एक एक नियम लगा देते हैं। देखिए दोस्तों 65 कुर्सी आती हैं कितने की? 19,204.25 रुपये की, ठीक है दोस्तों। तो एक कुर्सी कितने की आएगी? 19,204.25/65, ठीक। अब हमें 15 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे 15 कुर्सी कितने की आएगी। कैलकुलेशन ही है सिर्फ और कुछ नहीं है। 19,204.25 × 15/65, ठीक है दोस्तों। 5 के पहाड़े से 3 बार कटेंगे, ये कटेंगे 1 और 3, 13×5 65, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों काट लेते हैं 13 से, यहाँ पर पॉइंट हटाना है 2 अंक के पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर जो 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है 1300 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका भाग करते हैं 19,204.25 × 3/1300, ये है इसका गुणा किया हमने, तो दोस्तों फिर से वापस काटते हैं 13 से काटते 13×13 6 बचेंगे 62 हो जाएंगे, 13×52 10 बचेंगे 100 हो जाएंगे, 13×7 98 2 बचेंगे 4 हो जाएंगे, 13×13 11 हो गए, हासिल 2 उठे उतारी जाएगी 13×7 13 9 13 8 8 24 8 10 9 9 की 27 9 11, तो 8 बार जाएगा तो 104 आएगा, यहाँ बचेगा 12 में से 4 जाएंगे 8 बचे, अंक उतारेंगे 5×85 तो 13×85 में देंगे 13×78 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 13×5 पॉइंट लग जाएगा 50 हो जाएगा, 13×3 39 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, इस प्रकार से पढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं हटाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं पॉइंट नहीं हटा रहे हम इसको, यहाँ पे लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर के इसे काटेंगे तो देखिए दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ी गलती हो रही है, इसका काटने पर 29,004×3/4 आएगा, दोबारा से करते हैं, ठीक है। चलिए दशमलव लगा है यहां पर, और यहाँ कितना होगा 15 होगा और बटे हो जाएगा 13, ठीक है दोस्तों। अब पॉइंट हमने हटा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1300, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब इसे हम काटते हैं, अब इसे काटने के लिए क्या करेंगे, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3×5 = 30, 260 आ जाएंगे, 260 आया,
फिर से काट के इसको पांच के पहाड़े से, पचम 25, पांच दूनी 10, यहाँ कटेगा ये, पांच या 15, चार बची 42, पांच अट्ठे 40, दो बची 5 चौक 20 और 0, पांच अट्ठे 40, पचम 25। दोस्तों संख्या अलग लिख लेते हैं, 38, 40, 85 गुणा 3 बचा और बटे 52 बचा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसे काटेंगे। फिर से काटते हैं, 13 चौके 52, 13 के पहाड़े से पूरा नहीं कट रहा है, 13 कहाँ से आया, हाँ सॉरी दोस्तों गलती हो गई, 65 है। देखिए 65 कुर्सी 19,224 की, तो एक कुर्सी इतने की आएगी, तो 15 कुर्सी कितने की आएगी, 19,224 हटा रहे हम, 25 गुणा 15/65 हो जाएगा 6500। ठीक, यहाँ से 3 × 3 = 15, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 13 से यहाँ से आया था। ठीक है, तो 19,204 25 गुणा 3/1300 करेंगे तो दोस्तों मेरे आंसर हमारा आ जाएगा 21.8175 रुपये, यानी कि 15 कुर्सियाँ 21.8175 रुपये की आएगी, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल कैलकुलेशन में दिक्कत देते हैं, कहीं कहीं हो जाता है, तो इस टाइप के सवालों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा इस प्रकार से है, क्वेश्चन अगला है, 5 kg 1 टन का कौन सा दशमलव भाग है, दोस्तों 5 kg और 1 टन हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। दोस्तों 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 1 टन में 10 क्विंटल हुए तो 1 टन में किलोग्राम की मात्रा होगी 100 धाम 1000, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। अब हमें 5 kg का 1 टन का दशमलव रूप निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं x भाग है 1000 का, 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम का x भाग, भाग तो हमें मालूम नहीं अभी, x भाग कितने के बराबर है 5 kg के, 1000 किलोग्राम का x भाग 5 किलोग्राम के बराबर है। तो दोस्तों कर लेते हैं कैलकुलेशन, 1000 का की जगह गुणा का निशान, x बटे 100 = 5 kg। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक्स का 5, 1000 का एक्स भाग है ना, इसलिए इस तरह से कर सकेंगे, तो एक्स का भाग यहां से निकालते हैं 5 kg/1000, काट देते हैं 5 × 5 = 5, 5 × 10 = 200 बराबर हो गया 1/200, 200 का भाग दे देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 1 लगेगा यहां पर, 10 आएगा, फिर से 10 आएगा, फिर 5 आएगा, तो आंसर आएगा 0x
यहाँ पे लिखेंगे 5 kg एक टन का 0.005 वाम भाग होगा। वापस